गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, विकास इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 7वां अध्याय है। इसमें आपको 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है आपका जीवन की उत्पत्ति, जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आप जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक के रूप में आप विकास के क्या क्या प्रमाण हैं, उसके बाद अनुकूली विकिरण क्या होता है, जैव विकास क्या है, विकास की क्रियाविधि कैसी है, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत के बारे में आप जानेंगे, विकास का संक्षिप्त विवरण आपको बताया जाएगा, और फिर लास्ट में आप मानव का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको 9 टॉपिक्स पढ़ना है। यह आपका चैप्टर 7 है, विकास इवोल्यूशन। तो आइए इसके परिचय के बारे में देखते हैं, विकास का क्या परिचय है। तो ध्यान दें, इवोल्यूशन में देखें, विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। ठीक है, विकासीय जीव विज्ञान जो है वह पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे स्टार्ट हुई, फिर जो है कैसे कैसे जीवों की संख्या बढ़ी, क्या उनमें परिवर्तन हुए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है विकास के रूप में किया जाता है। विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। अब यह प्रश्न है कि विकास है क्या, वस्तुतः विकास में है क्या। वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तन को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। पृथ्वी पर वनस्पति और प्राणी जगत करोड़ों वर्ष पहले कैसे उत्पन्न हुए और उनमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, इन सारी चीजों को जानने के लिए एक समझ बनानी जरूरी है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। ठीक है, तो विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। वस्तुतः विकास में है क्या, तो वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तन को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। ठीक है, अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं जो जीवन की उत्पत्ति की दावा करती हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास या स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी हुई है, सन्निहित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अध्याय 7 विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका परिचय आपको बताया जा रहा है, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे इसको हमने बताया। इसमें आप 9 टॉपिक पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह पहली टॉपिक होगी आपकी। उसके बाद जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत के रूप में आप पढ़ेंगे, विकास के क्या सबूत हैं, प्रमाण हैं उनके बारे में जानेंगे, अनुकूली विकिरण क्या होती हैं, जैव विकास क्या है, विकास की क्रियाविधि क्या है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को आप समझेंगे, विकास का संक्षिप्त विवरण आपको बताया जाएगा,
और फिर लास्ट में आप मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, मानव का उद्भव और विकास के बारे में, ठीक है। तो विकासी जीव विज्ञान क्या है? तो विकासी जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन होता है। पृथ्वी पर जीव रूप कैसे हैं, कैसे बने हैं, कैसे इनका विकास हुआ है, इन सारी चीजों का अध्ययन विकासी जीव विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। वस्तुतः विकास में है क्या? अगर पूछा जाए कि विकास में है क्या, तो विकास में वनस्पति और प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर हुए परिवर्तन को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है, ठीक है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैविकता की है, जो पृथ्वी के विकास या स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अध्याय 7 विकास के पहले टॉपिक जीवन उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हुए। थैंक यू।